I'm Nidhi Mishra, or he is my son. He is 9 years old now. और मैं इस न्यूरो केयर सेंटर में तब आई थी जब मेरा बेटा 1.5 साल पहले आई थी. और मैं यहाँ पे बहुत ही अजीब स्टेट में कंडीशन में आई थी कि मुझे ओटी के बारे में ठीक से नॉलेज ही नहीं थी. और इसके पहले मैंने जितनी भी थेरेपीज कराई हैं, मैं डॉक्टर्स के पास तक गई हूँ, जेपी हॉस्पिटल में भी गई हूँ और स्पेशल एजुकेटर्स के पास भी गई हूँ, और एक एक बंदे ने मुझसे ये बोला है कि मेरे बेटे को ओटी जैसी किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं रही. तो मैंने इतने साल वेस्ट किए, मैं इधर उधर अब कुछ थेरेपीज कराती रही. हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट इतना होता था कि बस जब तक थेरेपीज चल रही हैं तब तक इम्प्रूवमेंट होता था, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी. फिर मैं आई न्यूरो केयर के सेंटर में. डॉक्टर जॉनी गुप्ता जैन से मेरे किसी फ्रेंड ने रेफर किया, मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया. उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई. उनकी मुझे एक चीज़ जो क्लिक कर गई वो ये कि व्हाट इज़ द बेसिकली ओटी. ओटी ये है कि हम बच्चे की ब्रेन की नर्व्स पे काम करते हैं और जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है, अपने एक्शंस खुद कर सकता है. हम उसको सिखाते नहीं हैं, बच्चों को इंडिपेंडेंट करते हैं, बच्चा वो अपने काम खुद करने लगता है. ये चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्राइक कर गई. मैंने सोचा मैं चांस देती हूँ, जहाँ इतनी थेरापीज कराई हैं मैं इस ओटी को भी करा के देखती हूँ. और बाय द गॉड ऑफ द ग्रेस 1.5 साल हो गया है मैं इस बच्चों को लेके सेंटर से जा रही हूँ. आज मेरी फैमिली में, सोसाइटी में, जितना भी मेरा सोशल सर्कल है वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बच्चे को देख के ये कह सके कि इसमें कुछ भी इशू है. इशू फंसता है, थोड़ा सा एकेडमिकली फंसता है, पर वो तो बाय द टाइम मैं धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ हो जाएगा इम्प्रूवमेंट. लेकिन इसके सारे पैरामीटर्स कंट्रोल हुए हैं बाय द ऑक्यूपेशनल थेरापी एक्सरसाइजेस, जो भी जॉनी गुप्ता जैन ने वीकली उसका वो पैटर्न बनाती थी और उसके बाद उसको रिव्यू करती थी, देखती थी कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं और मुझसे पूछती थी हर वीकली कि निमे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कवर किया, क्या कवर नहीं किया. मैं उनको बताती थी, उसके बेसिस पे वो इसका चार्ट बनाती थी. इस तरीके से जो काम किया गया है तो विद इन 1.5 ईयर जो इम्प्रूवमेंट इसमें आया है ये मेरे लिए मिराकल से कम नहीं है. इट्स जस्ट अ मिराकल फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली में सब शॉक्ड है कि आखिर 1.5 ईयर में इतना कैसे मिराकल हो गया. मेरी मम्मी तो हंसती है कि बेटा टाइम की बात है, हो गया तुम्हारा बच्चा. पर मैं जानती हूँ इट्स नॉट जस्ट टाइम, ये मेहनत है और जो भी सेंटर पे मैम जॉनी गुप्ता जैन ने किया है. द थिंग इज दैट ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लाइफ में मत लीजिए. ये बेसिकली सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो कि फिजिकली नहीं, ब्रेन की नर्व्स के साथ में डॉक्टर साहब की करते हैं, जो कि मस्ट है, बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है. सो तो थैंक यू टू ऑल न्यूरो केयर सेंटर, डॉक्टर जॉनी गुप्ता जैन. प्लीज अगर आप लोग आसपास हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए, और कहीं भी हो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए और इसके बारे में जानिए. थैंक यू.